नमस्कार सभी को, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज मूवमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्ले स्मार्ट प्ले इपेक आसनसोल कॉन्टैक्ट नंबर इज 8695607709। अनदर नंबर इज 1800123399999। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्याम तेल कारखाने में हुए हादसे में फ्लाइस में 4 श्रमिक दब गए थे, जिसमें 3 की मौत हो गई, 1 श्रमिक को बचाया गया। आइए सुनते हैं पूरी खबर। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद, पवन शर्मा जो कि रानीगंज से हैं, एवं ट्विंकल बर्नवाल। आसनसोल के रानीगंज थाना क्षेत्र के मंगलपुर में एक निजी स्पंज आयरन फैक्ट्री का छाई लदी ट्रैक्टर के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक 4 मजदूर एस ट्रैक्टर के नीचे दब गए। दुर्घटना की खबर मिलते ही दमकल और पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। किसी तरह शिवनाथ राम नामक एक कर्मी बचाया जा सका, लेकिन अन्य तीन रानीगंज के बल्लभपुर के 42 वर्षीय तन्मय घोष, अंडाल के हरिशपुर के 43 वर्षीय दिलीप गोप तथा बांकुड़ा के पलास डांगा निवासी 36 वर्षीय शिव शंकर भट्टाचार्य इस घटना में अभी तक नहीं बचाए जा सके हैं। प्राथमिक रूप से उन्हें मृत मान लिया गया है। मजदूर ने बताया कि घटना की देर रात की है। ट्रैक्टर के नीचे 4 मजदूर काम कर रहे थे, अचानक लोहे का एक बड़ा टैंकर उन पर गिर गया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि पहले ही अधिकारियों को टैंकर से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन कारखाने के अधिकारियों ने नहीं सुना। मजदूरों ने मृतकों के लिए नौकरी व मुआवजे की मांग की। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौके पर पहुंचे रानीगंज के तापस बनर्जी विधायक, उन्होंने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ AAN प्राथमिकी दर्ज की जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एसपी सेंट्रल 2 तथागत पांडे ने शनिवार को बताया कि एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कारखाने के अन्य श्रमिकों ने दावा किया है कि 3 लोग फर्श पर फंसे हो सकते हैं। চিরকাল এইরকম করে মানুষগুলো শোষণ করে, তাদের প্রাপ্য পাওনা দেয় না। আজকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ত্রুটির জন্য তাদের রেগুলার মেনটেন্সের অভাবে এইটা ভেঙে পড়ে গেল। তারা নিচে 3 জীবন্ত ছেলে, জঞ্জন্ত ছেলে, তাজা ছেলে মায়ের ঘর খালি হয়ে চলে গেল। এই এইসব কারখানাগুলো এই মঙ্গলপুরে যারা আছে তাদের রেগুলার এই ফিচার। তারা যদি দালাল রাখে, আমাদের মতো যদি দালালকে তারা পোষে, বলতে আজকে বাধ্য হচ্ছি। ঝান্ডা নিয়ে দালাল কিছু আছে, তারা মালিকদের পরিবেশ থেকে আরম্ভ করে শ্রমিকদের শোষণ থেকে সমস্ত কিছু তারা সাপোর্ট করে। আজকে দালালদের জন্য ইনভার্টারের ত্রুটির জন্য 3 মানুষের বাড়ি চলে গেল। আজকে ম্যানেজমেন্ট কি করবে? আচ্ছা, 3 মারা গেছে, ওদের পরিবার জন্য কি কি করা হচ্ছে এখন? সেটা পরের ব্যাপার, সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, সেটা দেখা যাবে। কিন্তু এটা দীর্ঘদিন চলতে থাকবে, এইগুলোকে দীর্ঘদিন করে চলতে থাকবে। এখন কি করণীয় এখানে করা যায়? এখন প্রাথমিক হচ্ছে দেহগুলো উদ্ধার করা, তারপর পরবর্তীকালে ওদের যে প্রাণের মূল্য তো হয় না, তার জীবনের মূল্য তার হবে না, সেইটা কিভাবে তাদের কম্পেনসেট, প্রাণের বিনিময়ে কোনো কিছু দিয়ে কম্পেনসেট হয় না।
পরবর্তীকালে পরিবারগুলো যাতে ভেসে না যায় তার জন্য স্থানীয় প্রশাসন আছে, তারা দায়িত্ব হচ্ছে। আমি তবে কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত, কারণ তার নিরাপত্তা জড়িত জন্য, তার পরিকাঠামোগত ত্রুটির জন্য এই তিনটে তাজা পান জাবরা দেখুন ওকে ভেঙে পড়ে গেল। রেগুলার করছে মেনটেন্স হতো, তাহলে ভেঙে পড়তো না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা মারা যায়নি, কোম্পানি গাবিয়েই তো মারা গেল, তাহলে কেন তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হবে না? আমি প্রশাসনের কাছে দাবি করছি, তাদের যা দায়িত্ব ছিলেন আধিকারিক যারা তার দেখার দায়িত্ব, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হোক, किए भारी मात्रा में गहने झारखंड के दो गिरफ्तार। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत जुबली मोड़ इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने हजारीबाग से आसनसोल आ रही बस में छापेमारी करके दो लोगों को गिरफ्तार किया। छानबीन में उनके पास से भारी मात्रा में गहने और कीमती धातु बरामद हुए। छापेमारी का नेतृत्व एसपी सेंट्रल मनवेंद्र दास कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग के मोहम्मद बदरुद्दीन और मोहम्मद इरफान को आसनसोल कोर्ट में चालान किया गया, जहां इरफान को 4 दिन के रिमांड पर लिया और पुलिस को अनुमान है कि यह सारा सामान चोरी का है। इसमें करीब 5 किलो चांदी के गहने, 21 किलो तांबा का तार, पीतल के सामान है और कुछ गहने सोने जैसे दिख रहे हैं, जिसकी जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। बताया जाता है कि यह लोग झारखंड से यह सामान लेकर आसनसोल आ रहे थे। इसे आसनसोल के रेलपार इलाके में किसी को पहुंचाना था। गिरफ्तार लोगों ने बताया कि उन लोगों ने यह सामान गोविंदपुर से बस में चढ़ाया था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आसनसोल रेल मंडल में पूर्व रेलवे मुख्यालय से चीफ विजिलेंस ऑफिसर बीके त्रिपाठी को प्रमोशन देकर आसनसोल रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आसनसोल रेल मंडल में 2 अपर मंडल रेल प्रबंधक का नियुक्ति हो गई है। ADRM 2 बीके त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में आसनसोल रेल मंडल में कार्य कर चुका हूँ सिविल इंजीनियर के रूप में, उसके बाद अब मुझे मौका मिला है प्रशासनिक अधिकारी बनकर मैं पूरे आसनसोल मंडल में यात्रियों की समस्या को लेकर विशेष ध्यान दूंगा। ट्रेन का परिचालन, सेफ्टी और रेल कर्मियों की समस्या पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंडल रेल हॉस्पिटल में भी और आसनसोल रेलवे स्टेशन हो या आसनसोल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर भी हमारा विकास के काम पर विशेष जोर रहेगा। फिजियोथेरेपी क्लिनिक मेल एंड फीमेल फॉर कॉन्टैक्ट 7047456855, कॉल ऑन दिस नंबर महुआ। वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिले के पूंचा थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव में मीनू गोराई एज 34 नामक लापता महिला का शव शुक्रवार को मिट्टी में दबा मिला। हालांकि समाचार लिखे जाने तक उसका सिर नहीं मिला था। महिला की मौत के रहस्य से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पता चला है कि महिला पिछले बुधवार से लापता थी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पूंचा थाना क्षेत्र के चंदनपुर गांव के रहने वाली महिला खेत में धान काटने के लिए निकली, लेकिन घर नहीं लौटी। महिला का नाम मीनू गोराई एज 34 है। महिला के रहस्यमय तरीके से गायब होने की शिकायत परिजनों ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी। फिर पूंचा थाना पुलिस बीते गुरुवार को थाना क्षेत्र के ही चंदनपुर गांव से सटे जंगल में तलाशी चलाई और आखिरकार शुक्रवार की सुबह महिला का शव जमीन के नीचे दबा मिला। पुलिस शव को बरामद करने में सफल रही, लेकिन अभी तक महिला का सिर बरामद नहीं कर पाई। जंगल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला की रहस्यमय मौत को लेकर कारणों की खोज और जांच जोरदार ढंग से किया जा रहा है।
Angel Vidya Mandira, sure way to success. We provide classes. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more details, contact on the number 9932864067 or another number is 8116183079. You can also add as friend on Facebook Angel Vidya Mandir. भारत ने पिछले 24 घंटों में 10,549 नए कोरोना वायरस मामले जोड़े और 488 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश के सक्रिय मामले को 3,45,55,431 तक पहुंचना जबकि मृत्यु संख्या 4,67,468 हो गई है। भारत में सक्रिय मामले अब 1,10,133 है जो 539 दिनों में सबसे कम है और इसमें कुल संक्रमण का 0.32% शामिल है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.33% है जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है। नए कोरोना वायरस संक्रमणों में दैनिक वृद्धि सीधे 49 दिनों के लिए 20,000 से नीचे रही है। लगातार 152 दिनों में 50,000 से कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। भारत ने अब तक 120 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी है। हालांकि भारत सहित दुनिया भर के कई देश ने एक नए कोविड संक्रमण के सामने आने की खबरें के बीच चिंता व्यक्त की है। पहले दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया पहले से ही बोतस्वाना सहित अपने पड़ोसी देश में फैल रहा है। यह संक्रमण अब दुनिया भर में हांगकांग और इजराइल में भी पाया गया है और इसे डेल्टा संक्रमण की तुलना में बहुत अधिक संक्रामक कहा जाता है। सबसे भारी उत्परिवर्तित कोरोना वायरस का अब तक खोजा गया संस्करण जवाब में यूके, सिंगापुर, यूएसए और यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने दक्षिणी अफ्रीका से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संक्रमण ओमाइक्रोन को चिंता का एक प्रकार नाम दिया है। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट AIIMS कॉन्टैक्ट नंबर इज 9832824975। एड्रेस इज ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुलटी, पी बर्दवान, वेस्ट बंगाल। यहाँ से लेकर त्रिपुरा तक त्रिमूल के लोग पैसों की बोरी लेकर घूम रहे हैं लेकिन कोई आना नहीं चाहता। कुछ सेवानिवृत्त नेता को त्रिमूल शामिल करवा रही है। त्रिमूल पुनर्वास केंद्र बन गया है। त्रिमूल के दागी आरोपियों को त्रिपुरा भेजा गया था। जैसे यहाँ की पुलिस को पीछे रखकर हमें धमकाते हैं वैसे ही वहाँ के लोगों ने भी उन्हें चौंका दिया। पहले वह गीला पीछे से पीला हो गए हैं। केंद्रीय भाजपा के सह अध्यक्ष दिलीप घोष ने जयपुर पुरुलिया में पुलिस आतंक, त्रिमूल सरकार के भ्रष्टाचार और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती न करने के खिलाफ पार्टी के कार्यक्रम पर एक रैली में भाग लेते हुए यह बताया कहीं इस दिन जयपुर कॉलेज मोड़ से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों ने जुलूस निकाला। सांसद ज्योतिमर्य सिंह महतो और जिला भाजपा अध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती सहित विधायक मौजूद थे। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, हेल्दी वाटर फॉर अ हेल्दी फैमिली। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in. टोल फ्री नंबर 1800258706। कानून एवं कार्य राज्य मंत्री एक आसनसोल उत्तर केंद्र के विधायक मलय घटक पश्चिम बर्धमान जिला स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन निदेशक द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई NHM के
के डॉक्टर सौमित्र मोहन ISS पश्चिम बर्धवान जिला के तमाम नेताओं, आम कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। सोशल मीडिया पर हर कोई बधाई दे रहा है। News Daily at 9 pm with special features on Friday. News Movement Bangla, News Movement English, News Movement Urdu, News Movement Hindi. For more details and advertisement, contact 9563830285/700196729 8617659448 9064082789641070758। पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी से आज आसनसोल में अपने पुस्तकालय और उर्दू माध्यम के छात्रों के लिए WBCS के लिए कोचिंग के संबंध में एक प्रेस मीट का आयोजन किया। गणमान्य व्यक्ति थे प्रोफेसर दबीर अहमद तलत, सहमीद MS नुसरत जनेब, नसीम अजीजी, खुर्शिद गनी, इंजीनियर SMS हैदर। मगरे बंगाल उर्दू अकेडमी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि पूरे मगरे बंगाल के लिए अकेडमी है और मगरे बंगाल के तमाम उर्दू तबका के लिए यह अकेडमी काम कर रही है, ज़मीनी सतह पर काम करना चाहती है। यही वजह है कि आज हम लोगों के आने का मकसद यही है कि आसनसोल में जो हमारा ब्रांच है, जो हमारी शाखा कायम हुई है, इसके तहत हम यहाँ सबसे पहले, जैसा कि सीगरी साहब ने बताया, कि लाइब्रेरी का इफ्तिताह करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास लाइब्रेरी नहीं होगी, हमारे पास किताबें नहीं होंगी, तो बच्चे इस्तेफादा नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि सबसे पहले बच्चे यहाँ आए, यहाँ जो किताबें मुहैया की जा रही हैं धीरे धीरे, उन किताबों से हमारे बच्चे इस्तेफादा करें। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किताबें होंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह पर किताबें मुहैया कर दी जाएंगी, ताकि ये आसनसोल ऐसे गिरदनवाह के जो बच्चे हैं, यहाँ आसनसोल है, रानीगंज है, रहमत नगर है वगैरह वगैरह, कुल्टी वगैरह है, तमाम के बच्चे यहाँ करके इस्तेफादा कर सकते हैं। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये फैसला कर लिया गया था कि हम लोग जो है 12 दिसंबर को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ उसकी शुरुआत करेंगे, फॉर्म्स दिए जाएंगे और उसी दिन टेस्ट बैक वक्त कलकत्ते में, आसनसोल में और इस्लामपुर में होना तय पाया था। लेकिन चूँकि ये सरकारी अदारा है और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया कॉरपोरेशन का इलेक्शन कलकत्ते में, लिहाजा जब तक कि हम परमिशन नहीं लेते हैं, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया बिल्कुल सही कि जब तक परमिशन नहीं लेते हैं हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वरना फिर हमारे ऊपर जो है कोरा कनेक्ट का मामला ये हो जाएगा। बहरहाल ये है कि हम लोगों ने तय कर लिया है, अकेडमी ने फैसला कर लिया है कि आसनसोल, इस्लामपुर, कलकत्ते में बैकवर्द इम्तहान होंगे। और ज़ाहिर है बैकवर्द इम्तहान लेने का मामला ये है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी हमारी, कि तमाम बच्चे जो हैं या तमाम बच्चियाँ जो हैं इस्तफादा करें, उनके जहन साजी करें, उनके जहन को हम लोग इल्म की गज़ा फराहम करें, ताकि बच्चे हमारे जो है कामयाब व कामरान हो सकें। यही वजह है कि मगर बंगाल उर्दू एकेडमी आसनसोल जैसे इलाके में एकेडमी कायम करके और यहाँ लाइब्रेरी कायम करके, फिर धीरे धीरे लहजा जो है हम और भी काम करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ के तमाम लोगों का ताउन भी हमें हासिल होता रहेगा। इसलिए कि एकेडमी हमारी नहीं है, हम सबों की एकेडमी है, सिर्फ कलकत्ते वालों के लिए बार बार हम लोगों ने यही कहा है कि तमाम लोगों की एकेडमी है, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम करें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उर्दू एकेडमी करवा रही है। इस साल से हम लोग, चूँकि आसनसोल में हमारी बिल्डिंग अपनी कायम हो चुकी है, तो यहाँ पर भी इस साल हम लोग करवाएंगे। एक हम लोग एक्चुअली पूरी तैयारी से आए थे कि अनाउंस करेंगे और एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे। एग्ज़ाम जो है हमारा, जो रिक्रूट ये सिलेक्शन करते हैं, वो 12 दिसंबर को होना है। बट चूँकि कलकत्ता में कोई इलेक्शंस अनाउंस हो गया, तो MCC की एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले लें एंड देन फिर हम लोग उसका बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है हमको। अदरवाइज़ हम लोग कल से ही यहाँ फॉर्म्स देने शुरू करते।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी जनवरी से रीडिंग रूम भी स्टार्ट करने का प्लान है, किताबें आ जाएंगी और चूँकि रीडिंग रूम करना है तो उसका अलग फर्नीचर आने की ज़रूरत होगी, तो ये सब भी चूँकि ऑस्टेरिटी है और बहुत सारी बातें हैं तो ये सब परमिशन हम लोग को जैसे जैसे मिलता जाएगा हम यहाँ पर अपना काम पूरा करते जाएंगे। शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लाइब्रेरी कायम करेंगे, उसके लिए वो किताबों के खेप आ चुका है और बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहाँ भेजते रहेंगे। उसके बाद फिर दूसरे सूबे का जो काम है वो हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कलकत्ते में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो हम लोग वहाँ सब सरगर्म हो जाएंगे, इसलिए जनवरी के महीने से हम उम्मीद करते हैं कि पूरे तौर पर हम अकेडमी का काम यहाँ कर सकेंगे। बहुत सारा डेवलपमेंट है जैसे WBCS के एग्जाम वगैरह, इसका हम सेक्रेटरी साहब तफसील बताएंगी। यहाँ से ही WBCS का जो उर्दू अकेडमी का होगा, एट ए टाइम कलकत्ता आसनसोल इस्लामपुर से हम लोग यह साथ एग्जाम लेंगे। मजीद मालूम इस सिलसिले में हमारी सेक्रेटरी साहब हैं, नुसरत साहब हैं, वो आपको बताएंगे, दबीर साहब हैं ये बताएंगे। डेली एट 9 PM विद स्पेशल फीचर्स ऑन फ्राइडे, न्यूज मूवमेंट बंगला, न्यूज मूवमेंट इंग्लिश, न्यूज मूवमेंट उर्दू, न्यूज मूवमेंट हिंदी। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट 9564072789 8614082784 9604107058। आसनसोल स्थित ADM सभागार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रीपुर इलाके के क्षति मंडांगा ग्राम वासियों के 160 परिवारों को पुनर्वासन के तहत आवास के कागजात एवं घर का चाबी सहित 10,000 का चेक राशि मंत्री मलय घटक के हाथों सौंपा गया। मौके पर जिला शासक अरुण प्रसाद, पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकंठ, ADDA के CIO नितिन सिंघानिया, रानीगंज के विधायक SLDA चेयरमैन तापस बनर्जी, जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह आदि उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत श्रीपुरे के क्षति डांगा के 160 परिवारों को पुनर्वासन आवास योजना के तहत नया आवास प्रदान किया गया, जिसमें 5 परिवार को स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने हाथों से घर का आवास एवं अन्य कागजात प्रदान की और अन्य को 160 परिवारों को आसनसोल के ADDA सभागार में आवास के कागजात, चाबी, 10,000 का चेक राशि प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में विभिन्न परियोजनाओं को लाकर उसका लाभ दे रही हैं। बंगाल में कुल 74 महत्वाकांक्षी पर योजनाओं का लाभ यहां की जनता को मिल रहा है, जिसमें से कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, साबुज साथी, लक्ष्मी भंडार सहित अन्य योजना लागू की गई, जिसका लाभ यहां की जनता को मिल रहा है। पश्चिम बर्धमान जिला में विकास के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई प्रकार की योजना को लाकर यहां के लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। बंगाल में इसी प्रकार से विकास होता जा रहा है तो वह दिन दूर नहीं कि जब बंगाल पर विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा, बंगाल विकास की नीति से देखा जाएगा। विनव गिनी हाउस एट KN मुखर्जी लेन आसनसोल 1, टेलीफोन नंबर 03412311920, मोबाइल नंबर 9933990442। इन डिटेल्स इन डायमंड, जेम्स एंड स्टोन्स, गोल्ड एंड हॉलमार्क्ड ज्वेलरी, सिल्वर आइटम एंड यूटेंसिल्स, जॉर्डिक पावर आइटम्स।
पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने मनाया संविधान दिवस। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में आज 26/11/2021 संविधान दिवस मनाया गया। श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल में भारत के संविधान दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल के कार्यालय में इस मंडल के अधिकारियों और कर्मियों के बीच भारत के संविधान के पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मंडल रेल प्रबंधक पूर्वी रेलवे आसनसोल के साथ साथ श्री एम के मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल श्री वी के त्रिपाठी, अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वितीय आसनसोल मंडल के शाखा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। यह याद किया जा सकता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. ये सुनते हैं News Moment के संदेश को। Let us love winter for it is the spring of genius. Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.